जहां 15 अगस्त को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, वहीं इंदौर में तिरंगा यात्रा को लेकर बवाल हो गया। इस यात्रा में कुछ असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल बम से हमला किया और पथराव कर दिया। देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। दरअसल बीजेपी युवा मोर्चा तिरंगा यात्रा निकाल रही थी। यात्रा में चल रही डीजे की गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने पेट्रोल बम फेंक दिया। गाड़ी का कुछ हिस्सा जल गया, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बीजेपी युवा मोर्चा ने इस घटना की शिकायत पुलिस में की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा और विधानसभा वार माननीय वैभव पवार जी के नेतृत्व में राज्य में बाइक रैली निकाल रहा था। यह बाइक रैली लालबाग से होते हुए मुकेरीपुरा और नरसिंह बाजार होते हुए राजमोहल्ला जानी थी। इसमें मुकेरीपुरा पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव हुआ। पथराव को हम समझ नहीं पाए। हमें कुछ कार्यकर्ताओं ने बोला कि पथराव हो रहा है, तो हमने यात्रा क्योंकि काफ़ी लंबी थी, तो यात्रा हमने आगे निकाली। अब हमने उस यात्रा पथराव को बहुत हल्के में लेते हुए हम आगे निकल गए। हम आगे निकलते हुए किला माता मंदिर के सामने वैष्णव बाल विनय मंदिर स्कूल है, वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व तीन लोग थे जो बाइक से हम उस घटना को भी नहीं समझ पाए थे, लेकिन बाहर से निकल रहे कुछ लोगों ने हमें बताया कि भैया किसी ने वहाँ पर पेट्रोल पंप देखा। देखते देखते जो डीजे की गाड़ी थी उसमें भोंगा लगा हुआ था, साउंड के अंदर आग भगभग कर उड़ गई। आग लगती हमने वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं ने पानी से आग बुझाई और आइट साइड हमने कैमरों में देखा तो वहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं, जिसकी पूरी जानकारी हमने थाना प्रभारी महोदय को दे दी गई है। इंदौर की इस घटना पर पुलिस ने बताया कि तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पथराव जैसी बातों से पुलिस ने इनकार किया है। वहीं सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। देखे जाने और पथराव किए जाने की घटना सामने आई है, कहां की घटना है, कब की घटना है और किन धाराओं में केस दर्ज किया है? इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक फरियादी सूरज सिरोया द्वारा भी थाने पर रिपोर्ट की गई है कि अपने कुछ मित्रों के साथ में यहाँ छत्रीपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत वैष्णव गर्ल्स कॉलेज के पास से गुजर रहे थे। इनके साथ ये कुछ गाड़ियों में थे और एक डीजे साउंड की एक गाड़ी भी थी। तब निकल रहे थे तब एक डीजे साउंड की गाड़ी भी कुछ ऊपर से कुछ टकराने की इनको अनुभूति हुई और जो लाउड स्पीकर था उसमें आग लगी हुई थी उस समय। तो उसके बाद में उन्होंने आग को बुझाया वहाँ पर, आसपास लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने कुछ लोगों ने अज्ञात लोगों ने बताया कि कुछ तीन व्यक्ति थे मोटरसाइकिल में अज्ञात व्यक्ति थे जो कि कुछ फेंक कर गए हैं, ऊपर से कुछ फेंक कर गए हैं और उनकी रिपोर्ट पर से थाना छतरी यहाँ पे धारा 635 IPC में अपराध पंजीबद्ध करके जांच में पथराव भी हुआ नहीं। इसमें जो ये कुछ अफवाहें फैल रही पथराव, इसमें पथराव जैसी कोई घटना नहीं हुई, प्रथम दृष्टया कोई ऐसे साक्षी नहीं। इंदौर जैसा मामला गुना से भी सामने आया है। गुना में स्वतंत्रता दिवस पर दो समुदायों द्वारा निकाले जा रहे जुलूस आमने सामने आ गए। नारेबाजी की वजह से हालात तनावपूर्ण बन गए। सराफा बाजार में दोनों का आमना सामना हो गया। दोनों तरफ से कुछ नारे लगने के बाद हल्की फुल्की झड़प भी हुई। कुछ युवाओं ने एक दूसरे की बाइकें गिरा दी। हालांकि बड़े लोगों ने समझाइश देकर मामला शांत कराया, परंतु उसमें कोई अभी FIR नहीं हुआ। इसमें ये हुआ है कि जब भी ये वीडियो फुटेज और कुछ देखे जाएंगे तो उसके बाद निर्णय लिया जाए, तो सारे लोग अभी समझ कर चले। तो किसी प्रकार का अभी कुछ FIR वगैरह नहीं हुई? अभी कोई FIR नहीं की गई। सर किस दो लोग शिकायत दर्ज कराने आए थे या नहीं है? हाँ सभी आए थे, पर वो अल्टीमेटली समझ गए। कुछ उनको ये था कि गलत फहमियाँ थी जो समझ के। दरअसल स्वतंत्रता दिवस पर MP में कई इलाकों में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, लेकिन इंदौर और गुना इलाकों में हालात तनावपूर्ण हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरी घटना की जांच कर रही है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट MP तक।